हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने सुपर ट्रेंड प्लस आरएसआई स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय सीए अक्षता उड़पा का वीडियो अपने चैनल पे टेस्ट किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। तो चलिए, टाइटल देख के आपको समझ गया होगा कि ये वीडियो एक अपडेट वीडियो है 5 AM स्ट्रेटजी बाय पावर ऑफ स्टॉक्स की तरफ से, जिस पे हमने ऑलरेडी दो वीडियो अपने चैनल पे बनाया है। उन्होंने ये सेटअप मेनली सेल के लिए यूज करने बोला था। हमने ये वीडियो में इसको सेल कंडीशंस के लिए स्टॉक्स में टेस्ट किया था और ये वीडियो में हमने सेल कंडीशन के लिए बैंक निफ्टी में टेस्ट किया था। रिजल्ट्स वेर क्वाइट इम्प्रेसिव फॉर बोथ ऑफ देम। अगर आपने अब तक ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। जैसे हमने पहले ही बोला कि टुडेज वीडियो इज एन अपडेट वीडियो वेर वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट दिस फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज 5 AM स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय सुभाष पन्नी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स फॉर बाय कंडीशन। ये स्ट्रेटजी उन्होंने ट्रेडिंग कार्निवल के इवेंट में शेयर किया था। ही ऑल्सो हैज अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हमारे भी चैनल पे जल्दी 7K होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, 5 सेकंड भी नहीं लगता है। जैसे आपको पता है कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी स्ट्रेटजीज को सिर्फ फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं, तो इस स्ट्रेटजी को भी हम फ्यूचर्स में ही टेस्ट करेंगे। तो चलिए, इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम 5 AM स्ट्रेटजी के बाय कंडीशंस को शॉर्ट में देखेंगे और इसे टोटल 100 times टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी में, ताकि इसे हमें आइडिया है कि इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं और चार्ट में बैंक निफ्टी ऐड करते हैं। जस्ट सिंपल है, जस्ट ऊपर इधर क्लिक करो और बैंक निफ्टी सर्च करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेल कंडीशन में जैसे हम इंट्राडे में टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स करते हैं, वैसे ही बाय कंडीशंस के लिए हमें टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स करना है। बाय कंडीशन हमेशा हायर टाइम फ्रेम में करना रहता है उनके हिसाब से, सो इसके लिए हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स कर देंगे। अब इंडिकेटर्स में जाएंगे ऊपर इधर क्लिक करके और सर्च करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसे ऐड कर देंगे। अभी सेटिंग्स में जाएंगे, पीरियड को 5 कर देंगे और ओके कर देंगे। चलिए, जैसे लास्ट बैंक निफ्टी वीडियो में हमने बोला था 5 AM स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में आप पूरा दिन ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलिटिलिटी रहता है। ये मिस्टर सुभाष पन्नी जी ने भी बोला था अपने वीडियो में। सो लेट्स सी रूल्स फॉर बाय सेटअप। फर्स्ट, द हाई ऑफ द कैंडल शुड बी बिलो 5 AM। कैंडल 5 AM के नीचे होना चाहिए और उसका हाई EMA को टच नहीं करना चाहिए। एंट्री विल बी एट द हाई ऑफ द एंट्री कैंडल, स्टॉप लॉस विल बी एट द लो ऑफ द एंट्री कैंडल। सिंस ये बैंक निफ्टी है तो हम मैक्सिमम लॉस 150 points ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड भी हम 2 रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो एंट्री कैंडल है, इसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे और लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 2 times द रिस्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये कैंडल का हाई EMA के नीचे है और टच नहीं कर रहा है, सो इसके हाई पर हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसके लो पे रखेंगे और टारगेट 2 times द रिस्क, एंड दैट्स अ विन। रिस्क रिवॉर्ड 2 instead of 3 रखने का रीज़न ये है कि सुभाष पन्नी जी ने ये सेटअप मेनली सेल को प्रीफर करने के लिए कहा था, क्योंकि सेल में मोमेंटम बहुत रहता है, मार्केट गिरता बहुत जल्दी है, ऊपर बहुत धीरे धीरे जाता है। बट सिंस अपन इसको बाई के लिए चेक कर रहे हैं और मूवमेंट कम रहता है, और उन्होंने वीडियो में बाई कंडीशन के लिए रिस्क रिवॉर्ड रखना क्या है ये भी नहीं बताया था, इसके लिए हम इसको 2:1 रखेंगे। चलिए, आई होप स्ट्रेटजी क्लियर है। आप उनका वीडियो भी ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में और जानना है तो। इस स्ट्रेटजी को चलिए हम टोटल 100 times टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 39 वॉज विन एंड 69 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 39%, टोटल गेन इन अकाउंट वॉज 25.63%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज -13.79%, कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 5 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 10, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 4.142 months। So the results are impressive, 25.63% in 4.142 months, but max drawdown is 13.79%, which is little high. Also, continuous lose in a row is also 10. So जैसे आप देख सकते हो, strategy is profitable, but compared to other 2 tests, इसका result उतना अच्छा नहीं था, और सुभाष पन्नी जी ने भी यही बोला था। But लोगों को buy side के लिए भी test का result चाहिए था, इसके लिए हमने किया है,
Anyways, kudos to Mr. Subhash Panni for sharing such an amazing strategy. I'll add this strategy in the Google Sheet, link in the description, and this takes the 6th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. As always, जैसे मैं बोलता हूँ, सीधा मेरी बात या आपको किसी की बात blindly trust नहीं करना है. हर strategy को आपको पहले खुद test करना है और फिर decide करना है कि strategy कैसा है. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification. And do like the video and share the video. अगर आप हमको support करना चाहते हो तो UPI ID आपकी screen पे होगा. और अगर आपको ये back testing sheet चाहिए तो हमने इसे already हमारे channel पे share किया है. आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो. प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी जरूर बताना. आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो. ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट. मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम.